नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, जिसके कारण सही ढंग से अंदाज़ा तो नहीं हो पाएगा, पर आप लोगों को पता है मैंने प्लाऊ वाला वीडियो दिखाया था। ये जो मेड़ थे हमारे खेत के, इनकी चौड़ाई थोड़ी सी कम करनी है हम लोगों को, तो इसकी जुताई करके हम लोग गए थे। तो अब इस तरीके से पूरे के पूरे मेड़ में मिट्टी चढ़ा करके इसकी थोड़ी सी चौड़ाई को कम करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारे ट्रैक्टर की भी टेस्टिंग हो जाएगी। तो बी के पहले गियर में बहुत अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर, स्पीड भी सही है उसमें और पावर की भी कोई कमी नहीं है, और ख़ास करके जब आप रिवर्स करते हैं तो सही रिवर्स पर स्पीड मिलती है बी में डोज़र के लिए। सी में इस तरीके से मेड़ पर मिट्टी चढ़ाने के लिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, पर मुझे उम्मीद है कि सी के पहले में भी अगर आपको खेत की लेवलिंग करनी हो तो ट्रैक्टर बहुत अच्छा चलेगा, और रिवर्स पर थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड भी मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि जब जॉन डियर के ट्रैक्टर शुरू शुरू में मार्केट में आए थे, बहुत शुरू शुरू में, तो इस तरीके से ब्लेड पर बहुत लोग इन ट्रैक्टरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। असल में कुछ कुछ क्षेत्रों में तो जॉन डियर के कुछ ख़ास ट्रैक्टरों की मार्केट ही इसी कारण से बनी, क्योंकि ब्लेड पर, डोज़र पर इनके ट्रैक्टर काफ़ी सक्सेसफुल थे। उसका एक कारण यही था कि इसका जो रिवर्स मैकेनिज़्म है उसको इस तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया है कि अगर आप इसको बी या सी में भी अगर आप इसको चलाते हैं तो भी आपको रिवर्स में अच्छी खासी स्पीड मिलती है। और बाकी इसका डीजल मतलब फ्यूल कंजप्शन कितना है और बाकी परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसके बारे में जब मैं धीरे धीरे और वीडियो लेकर के आऊँगा तो उन वीडियोस में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि अभी कंडीशन भी आइडियल नहीं है, मिट्टी गीली है तो ब्लेड पर चिपक रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनिशियल टेस्टिंग कर रहे हैं ट्रैक्टर की। तो अब आगे आप लोग भी देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ, खुद से ऑब्ज़र्व करिए कि ट्रैक्टर कैसा चल रहा है। देखिए, बिना शटल वाले काफ़ी सारे दूसरे ट्रैक्टरों से ब्लेड पर जॉन डियर के ट्रैक्टर बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रिवर्स पर स्पीड आपको अच्छी मिलती है। हालांकि शटल के जितना आइडियल आपको कैलिब्रेशन नहीं मिलता है, उसमें थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाती है, पर अगर आप बिना शटल वाले ट्रैक्टरों से कंपेयर करेंगे तो ब्लेड के काम के लिए ये कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। वो नहीं निकले, वो निकाले कोशिश मत कर, एकदम चिपक गए।
थोड़ा आरपीएम देके उठाना। थोड़ा आरपीएम में उठावे तो फास्ट नहीं उठे, थोड़ा आरपीएम देख उठाना, आरपीएम देना। हर ट्रैक्टर के इंजन का नेचर थोड़ा सा अलग होता है एक दूसरे से। नोवो के साउंड से आप पता लगा सकते हैं कि उसका इंजन दब रहा है या नहीं, लेकिन जॉन डियर है या कुछ और दूसरे जो कम साउंड करने वाले इंजन हैं जिनके, उनकी आवाज़ से आप पता नहीं लगा सकते बहुत जल्दी कि इंजन दब रहा है ट्रैक्टर का। इसमें बाहर से अगर आपको जानना है, चलाने वाले को खैर पता चल जाता है, लेकिन ट्रैक्टर अगर धुआँ देता है ना तो वो एक तरीके से सिग्नल है कि ट्रैक्टर थोड़ा सा ओवरलोड चल रहा है। बी के पहले में, जैसे आप अभी देखेंगे, बी के पहले में ट्रैक्टर नहीं दबता है और धुआं भी नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप बी के दूसरे में चलाएंगे, जैसे अभी बी के पहले में देखिए चलेगा ट्रैक्टर, तो लोड पड़ने पर भी धुआं नहीं दिखाता है। ये सीआरडीआई इंजन वाले ट्रैक्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत धुआं आता ही है। आप लोगों को पता है ट्रैक्टरों के का वो नेचर है नॉर्मल, लेकिन अगर बी के दूसरे में हम लोग चलाएंगे तो लगातार ट्रैक्टर धुआं दिखाता है और चलाने वाले को साउंड से भी पता चलता है, तो वो एक तरीके से सिग्नल है कि ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहा है। तो हमारे नोवो में आप साउंड से ही पता लगा सकते हैं, बाहर वाले को भी पता चल जाता है कि ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहा है या नहीं, लेकिन हमारे जॉन डियर में या किसी दूसरे ब्रांड में आप लोगों ने देखा होगा, कुबोटा में भी बहुत जल्दी पता नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैक्टर दब नहीं रहा है। तो बी के पहले में बहुत अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर एज एक्सपेक्टेड, और बी के दूसरे में शायद लेवलिंग में चलेगा। अभी सीज़न बस शुरू ही हुआ है, सही ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि बारिश थोड़ा सा हम लोगों को भी परेशान कर रहा है। तो जब सही तरीके से सीज़न शुरू हो जाएगा और मौसम थोड़ा सा बदलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को
जो गर्मियों में असली कंडीशन होती है जिसमें ट्रैक्टर चलते हैं, उसमें दिखाऊंगा ही परफॉर्मेंस आप लोगों को, दोनों ही ट्रैक्टर किस तरीके से चलते हैं, दोनों में फ्यूल कंजप्शन में कितना अंतर आता है, वो सब मैं आप लोगों को उस समय बताऊंगा। क्योंकि अभी जिस तरीके की कंडीशन है वो ज़्यादा समय तक रहने वाली है नहीं, इसलिए अभी से ज़्यादा बाद में किस तरीके से ट्रैक्टर चलता है उसका महत्व रहेगा।